कितना बच्चे हैं जो सिवानुद्दीन साहब से श्रद्धांजलि पे ब्लॉग देकर अपना मतलब कि सिवानुद्दीन साहब ने सिवान के लिए अपना जान दे दिया, सब कुछ निछावर कर दिया, तो हम लोग क्या सिवानुद्दीन साहब के लिए अपना एक प्लॉट नहीं दे सकते हैं? हम लोग साहब के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं, अभी फिलहाल हम लोग प्लॉट दे रहे हैं। सिवानुद्दीन साहब के पुण्यतिथि पर आज आप प्लॉट डोनेट कर रहे हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? सिवानुद्दीन साहब के दूसरे पुण्यतिथि पर सबसे पहले उनको विनम्र श्रद्धांजलि, और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है प्रदान करते हुए। और सर आज आप प्लॉट डोनेट कर रहे हैं, आप उन्होंने कहा कि सिवानुद्दीन साहब की श्रद्धांजलि को देने के लिए, क्या सही है? जी, और मैं चाहता हूं कि जैसे उन्होंने अपने जब तक जीवित रहे दूसरों के लिए सेवा की है और दूसरों की सहायता के लिए हमेशा खड़े रहे, तो उन्हीं के दिशा पे हम लोग भी हमेशा सिवान के लोगों के लिए हमेशा दुख सुख में खड़े रहेंगे। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से, सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉर्मल में आपके साथ। देखिए आज 1 मई है और ये 1 मई जो कि सिवान की जो युवा है, जो सिवानुद्दीन साहब के चाहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का भावुक वाला दिन है। आज टाउन हॉल में भव्य तरीके से आज उनका पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। जिले के कई से लोग वहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन जापान से मुझे बात हुई, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और ये सिवानुद्दीन साहब के भांजे हैं, आप देख सकते हैं, नदीम इनका नाम है, और ये ब्लड डोनेट में ही लोग पहुँचे हुए हैं। अचानक मेरे पास फ़ोन करते हैं जाफर भाई फ़ोन करते हैं, कार नहीं, अभी हम लोग प्रोग्राम में नहीं है, अभी हम लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हम जानेंगे आखिर कितना बच्चे हैं जो सिवानुद्दीन साहब से श्रद्धांजलि पे ब्लड देकर अपना मतलब कि आ रहे हैं। कई भी ब्लड देंगे यहाँ पे, अभी नदीम का निकल रहा है, जाफर का निकलेगा, कई से जो आसिफ है पर नदीम, इनका भी नदीम नाम है, और जो लड़के जो नीचे बैठे हुए जो ऊपर नाम नहीं किए गए भाई, अभी बाहर बैठे हुए। कितना बच्चे आज आपको ब्लड दे रहे हैं? जी अभी तो 18-19 लोग अभी आए, लड़के लोग तो लेकर आए हुए हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। ब्लड डोनेट इसलिए किया जा रहा है कि आज सिवानुद्दीन साहब का पुण्यतिथि है, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग अपना एक प्लान बना के, अपना साहब के चाहने वाले जो हम लोग साहबवादी जो हैं, अपना एक प्लान बना के ब्लड डोनेट करने के लिए सोचे, क्योंकि सिवान को सिवानुद्दीन साहब ने सिवान के लिए अपना जान दे दिया, सब कुछ निछावर कर दिया, तो हम लोग क्या सिवानुद्दीन साहब के लिए अपना एक प्लॉट नहीं दे सकते हैं? हम लोग साहब के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं, अभी फिलहाल हम लोग प्लॉट दे रहे हैं साहब के उनके पुण्यतिथि पर, उनके सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम लोग ब्लड डोनेट करेंगे। अच्छा, साहब के जितने चाहने वाले लड़के हैं वो तमाम लड़के, मतलब चाहने तो बहुत हैं, लेकिन कुछ लड़के हैं जो कि आप लोगों ने एक बातचीत किया, कहा कि सिवानुद्दीन साहब ने श्रद्धांजलि कुछ मतलब ब्लॉग से उसको पूरा किया है, राइट? जी, बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए हम लोग कुछ प्लान बना के सोच के आए हुए हैं कि श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी जब हम लोग उनके नाम पे कुछ करें, यानी हम ब्लॉट दें या गरीब लोगों की मदद करें, किसी का शादी में हेल्प करें, तो अभी हम लोगों को ब्लॉट दे के सिवानुद्दीन साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग देने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, एक ही बेड है, इसीलिए बारी बारी से सब लोग आएगा, एक एक ब्लॉट डोनेट करेगा। देखिए सिवान के सदर अस्पताल में नदीम बाबू है, बात कर सकते हैं सर? हाँ, नदीम भाई है। अच्छा जी, नदीम भाई आज ब्लॉट डोनेट कर रहे हैं आप, उन्होंने कहा कि सिवानुद्दीन साहब की श्रद्धांजलि को देने के लिए, क्या सही है? और गरीबों की मदद से लेकर एजुकेशन हो, खेल हो, खास करके गरीबों के लिए मदद की, तो हम उसी इंसानियत को उसकी बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रत्येक साल हम लोग ये मुहिम चलाते रहे। अच्छा, ये जो आज ब्लड डोनेट है, प्रत्येक हर साल एक श्रद्धांजलि को आप ब्लड डोनेट करेंगे? जी जी बिल्कुल, हर साल इंशाल्लाह हम लोग ब्लड डोनेट करने का काम करेंगे और उनकी जो इंसानियत वाली कदम थी उसको आगे बढ़ाने का। देखिए अभी नदीम दे चुके हैं, अभी जाफर देंगे, लेकिन वक्त काफ़ी लगेगा, मुझे स्टे नहीं करना हुआ है, पहले वीडियो दे देंगे, हमको हम दिखा देंगे। जाफर कैसे महसूस कर रहे हैं ब्लड से पहली बार डोनेट कर रहा है? पहली मतलब डोनेट कर रहे हैं, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे वजह से किसी को हेल्प मिलेगा। साहब की सिवानुद्दीन साहब के भी यही चाह ख्वाहिश थी कि हम इतना लोगों को सके मदद कर सकें, उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए हम लोग भी सोच रहे हैं कि उनके नाम की वजह से साहब के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग चाहे जितना लोगों को मदद कर सकें।
और थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं बच्चे हैं जो मरीज हमेशा आते रहते हैं, 40-50 मरीज हैं, हमेशा नेट के थ्रू फेसबुक के थ्रू मालूम चलता है कि ब्लड की कमी है ब्लड बैंक में, तो इसीलिए हम लोग भी सोचे कि एक साहब के नाम पर एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाए और बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं, गरीब पेशेंट हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हमें कहते हैं थैलेसीमिया के बच्चे 50+ बच्चे हैं, थैलेसीमिया के बारे में बता दें, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है हर 20-25 दिन पे उन लोगों की एक यूनिट की आवश्यकता पड़ती है ब्लड की, वो कितनों खा पी लेंगे लेकिन ब्लड उन लोगों की बॉडी में ब्लड नहीं बन पाता है। और थैलेसीमिया की बीमारी कैसी है कि हर 20 दिन से आपको ब्लड देना है, अदरवाइज आप लोग समझ रहे होंगे आपको मालूम चला थैलेसीमिया जो बच्चे हैं सिवा में दिक्कत हो रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से बराबर पता चलते रहता है और ये जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं सबसे बेनिफिट थैलेसीमिया पेशेंट को, क्योंकि मैंने पढ़ा है 40 दिन हर 40 दिन में थैलेसीमिया पेशेंट को एक यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो जब तक आपके पास कलेक्टिव ब्लड रहे तो उन लोगों को हेल्प कैसे मिलेगा बच्चों को, नहीं तो डोनेट कर रहे हैं तो सबसे बड़ा हेल्प उन्हीं लोग को मिले, बहुत खुशी की बात है और गर्व हो रहा है कि परिस्थिति बच्चों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा नहीं मेरा आज एक महीने और आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे मतलब यही है कि आज साहब का स्थिति है जिससे श्रद्धांजलि के लिए प्राण मायावती आज साहब के श्रद्धांजलि के लिए हम लोग ब्लड डोनेट कर रहे, तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है करके और ये मेरी पहली पहली मतलब डोनेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है। हम लोग बहुत 17-18 लोग हैं अभी, 4-5 लोग डोनेट किए अभी, बाकी लोग लाइन में हैं। अच्छा तो नीचे नीचे है अभी, ये शाम तक चलता रहेगा और हम लोग हमेशा न्यूज़ में देखते थे, हमेशा ब्लड की जरूरत रहती है सिवान में, तो सिमिया के बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनको 40 दिन पे एक दिन ब्लड की जरूरत पड़ती है 20 दिन के अंदर, तो हम ब्लड की कमी हो जाती है कभी कभी, तो हम लोग गाँव में नहीं रहते, यहाँ पे नहीं रहते हैं, तो अभी मौका मिला है तो हम लोग डोनेट कर रहे हैं, फिर आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही डोनेट करें मेरा साथ, जब भी रहेंगे। शामरीन साहब के पुण्यतिथि पर आज आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? शामरीन साहब के दूसरे पुण्यतिथि पर सबसे पहले उनको विनम्र श्रद्धांजलि और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है प्रदान करते हुए, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को बढ़ावा दीजिए कि शामरीन साहब के नाम पर हम लोग इस तरीके से एकजुट हो जाए, सब जाति धर्म सब समुदाय एक साथ एक लाइन पर खड़े होकर आकर रक्तदान करें, इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा, लोग एक तारीख का इंतज़ार करेंगे जो पीड़ित लोग होंगे कि हमको और किसी तारीख को नहीं तो कम से कम एक तारीख को तो खून की कमी नहीं होगी। आज शाहबुद्दीन साहब के पुण्यतिथि पर आपने ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं ब्लड डोनेट? बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि हमने उनके दूसरे पुण्यतिथि पे एक नेक काम करने का मैंने निर्णय लिया है, और ये मैं यहाँ के सिवान के यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये शाहबुद्दीन साहब का बहुत ही अच्छा एक सपना था कि जो सिवान के यूथ है वो हमेशा हर कार्य में आगे रहे और उनके जो अधूरा सपना है, जो अधूरा विकास के कार्य है, उसमें हम पूरा से पूरा सहयोग करें, और मैं चाहता हूं कि जैसे उन्होंने अपने जब तक जीवित रहे दूसरों के लिए सेवा की है और दूसरों की सहायता के लिए हमेशा खड़े रहे, तो उन्हीं के दिशा पे हम लोग भी हमेशा सिवान के लोगों के लिए हमेशा दुख सुख में खड़े रहेंगे। इसी मैं नियत से यहां पे आया हूं ब्लड डोनेट करने के लिए, और मैं और भी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी उनके पुण्यतिथि पर आए और यहां पे लोगों की सहायता करें।